मैं सीए बनी जैन आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो यहाँ पर जो है इनकम टैक्स आईटीआर फाइलिंग को लेकर है। आपकी सैलरी की इनकम है, इंट्राडे ट्रेडिंग्स हैं, उसके अलावा शेयर मार्केट की शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैपिटल की इनकी इनकम है और कुछ अदर सोर्स की इनकम है, एफडी की इंटरेस्ट की इनकम आ रही है, डिविडेंड इनकम, वो सब कुछ यहाँ पर कवर करने वाले हैं। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, समझिएगा किस तरीके से आप अपने आईटीआर को खुद से फाइल कर सकते हैं। बिल्कुल इजी प्रोसेस के थ्रू मैं आपको बताऊंगा, वो भी लाइव एग्जाम्पल। तो यहाँ पर इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट है www.incometax.gov.in। इस पर सबसे पहले आपको लॉगिन कर लेना है, जो आपका पैन नंबर है उसी के थ्रू आपको इस पर लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर हम डायरेक्ट आईटीआर फाइल करेंगे। मैं ये भी बताऊंगा कि कौन सी आईटीआर आपके लिए अप्लीकेबल है, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, समझिएगा, फिर उसके बाद आप खुद से इसको फाइल कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लॉगिन कर लेंगे पैन कार्ड के थ्रू। लॉगिन करने के बाद आपके सामने जो डैशबोर्ड है कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है। तो आप एक चीज ध्यान रखें कि अगर आपकी इंटरडे ट्रेडिंग या एफ एंड ओ की ट्रांजेक्शन है तो आपको आईटीआर 3 में जाना पड़ेगा, अदरवाइज आप जो है आईटीआर 2 में फाइल कर सकते हैं। आईटीआर 2 में आपकी सैलरी की इनकम, एफडी के इंटरेस्ट की इनकम, अदर इनकम और उसके अलावा जो है शेयर मार्केट से शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की इनकम कवर होती है आईटीआर 2 में भी, ठीक है। आईटीआर 1 और आईटीआर 4 आपके लिए अप्लीकेबल नहीं है। इस केस में यहाँ पर मैं इंटरडे ट्रेडिंग भी कवर करने वाला हूँ, तो इसलिए हम यहाँ पर आईटीआर 3 भरेंगे, ठीक है। ऑनलाइन पर क्लिक कर लेना है, स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर जाना है आपको, यहाँ से फॉर्म सिलेक्शन का ऑप्शन आएगा, ठीक है, इंडिविजुअल, फिर यहाँ पर आईटीआर 3, प्रोसीड विद आईटीआर 3, इस तरीके से फॉर्म आपको सेलेक्ट कर लेना है, ओके पर क्लिक करना है। इसके बाद जो है यहाँ पर लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक कर देना है, आपके सामने जो है फॉर्म ओपन होकर आ जाएगा। अब इसमें कुछ डिटेल्स होंगी वो हम भरेंगे। अगर आपकी इनकम 2.5 लाख रुपये से ज़्यादा है तो पहले वाला ऑप्शन ले लीजिएगा, अदरवाइज आप अदर्स करके भी प्रोसीड कर सकते हैं। हालांकि इस पॉइंट से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जो इनकम्स आप यहां पर एंटर करेंगे फॉर्म के अंडर में उसके अकॉर्डिंग आपका टैक्स जो है वो कैलकुलेट होगा, ठीक है। पहले केस में इनकम्स में हमारी सैलरी की इनकम कवर्ड है। आईटीआर 3 में आप जो है रेंट भी दिखा सकते हैं, हाउस प्रॉपर्टीज अगर आपका रेंट है। और यहां पर जो है इस बार बाय डिफॉल्ट जो टैक्स रिजीम है वो न्यू टैक्स रिजीम है, ठीक है। तो जब आप आईटीआर 3 भर रहे होंगे, आपको अगर ओल्ड में जाना है तो एक फॉर्म है 10IA, वो भरना पड़ेगा। उसके लिए मैंने डिटेल्ड वीडियो यहाँ पर अपलोड की भी है, 87A की रिबेट में उसका डिफरेंस आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है सैलरी हो गई, कैपिटल गेन्स आपके आ गए, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के अलावा अदर सोर्स की इनकम, जो आईटीआर 3 है वो अपने आप में कंप्लीट फॉर्म है, तो इसमें आपकी हर टाइप की इनकम कवर हो जाएगी। बिजनेस के केस में बिजनेस सारे शेड्यूल्स ऑटोमेटिकली आएंगे, डेप्रिसिएशन की ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। डिडक्शंस न्यू टैक्स रिजीम में काफ़ी कम डिडक्शंस इस बार अलाउड हैं, आपको ओल्ड में फाइल करके सारी डिडक्शंस मिल जाएगी, लेकिन वहाँ पर लिमिट 5 लाख रुपये की है और यहाँ पर जो लिमिट है वो 7 लाख रुपए की है। तो कुछ ऐसे ऐसे भी होंगे जिनको डायरेक्ट यहाँ पर बेनिफिट होगा। टैक्स के लिए ये वाले कॉलम को आपको ओके कर लेना है, जो भी आपके TDS डिडक्टेड हैं, जैसे FD पे इंटरेस्ट पे TDS डिडक्टेड होंगे तो हो सकता है कि आपके केस में रिफंड भी बन जाए, ठीक है। बस ये सारी चीज़ें आपको सेलेक्ट करनी है, कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपके सामने काफ़ी सारे शेड्यूल्स आएंगे, देखिए यहाँ पर ये सिलेक्शन होगा न्यू ओल्ड टैक्स रिजीम का। हालांकि ये फॉर्म में भी आएगा, इन्होंने फ्रंट में भी दिया हुआ है, बाकी फॉर्म में अदर्स में भी आएगा, तो आप नो कर यहाँ पर कंटिन्यू करते जाइएगा। जब हम फॉर्म फाइल मेन फॉर्म के अंदर में टैब्स फाइल करेंगे वहाँ पर इसको चेंज कर सकते हैं। फिर मेरे सामने फॉर्म्स ओपन होके आ गए हैं, अब इसमें जो है डिटेल्स यहाँ पर एंटर करनी है, ठीक है। सबसे पहले बेसिक डिटेल्स है, जनरल इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता देता हूँ, फिर उसके बाद नेचर ऑफ बिजनेस, इसमें हम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी सेलेक्ट करने वाले हैं, बैलेंस शीट्स, तो बैलेंस शीट्स में जो भी आपके बैंक बैलेंसेज हैं, कैश बैलेंसेज हैं, उसके अलावा कोई अदर एसेट्स है वो आप यहाँ पर दिखा दीजिएगा। सेम उतनी आपके एसेट्स भी होंगी, ऐसा ज़्यादा कोई ऐसा आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स परमानेंट मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट नहीं आती है, क्योंकि सारी की सारी ट्रांजेक्शन्स डीमैट से डाउनलोडेड है। अब डीमैट अकाउंट से आपको स्टेटमेंट P&L की डाउनलोड करनी पड़ेगी, वो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी डाउनलोड की हुई है, तो मैं वहाँ यहाँ पर आपको एक बार दिखा भी दूंगा, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर इंट्राडे ट्रेडिंग एंटर करेंगे, सैलरी के शेड्यूल एंटर करेंगे, कैपिटल गेन्स एंटर करेंगे, अदर सोर्स की इनकम एंटर करेंगे, ठीक है। और जो मेरे टैक्सेस हैं, जो मेरे TDS पेड है, वो यहाँ पर मैं एंटर करने वाला हूँ। तो पहले मैं आपको कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन के अंडर में बेसिक चीज़ें सेलेक्ट करनी होती है, वो मैं बता देता हूँ। पहला पॉइंट आता है फाइलिंग सेक्शन का, इसमें आपको जो है 31 जुलाई सेलेक्ट करना है, ड्यू डेट के अंदर जो आप फाइल कर रहे होंगे 31 जुलाई आएगा। इसके बाद आपने अगर ऑप्शन लिया है कि आप जो है 31 जुलाई तक फाइल नहीं कर रहे हैं या बिलेटेड रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो उस केस में फिर आपके ऊपर लेट फीस एप्लीकेबल हो जाएगी, ठीक है। तो न्यू ओल्ड टैक्स का रिजीम का जो मैंने आपको बताया था वो अब यहाँ पर फाइनली डिसाइड होगा। अगर आप यस करते हैं कि आपने जो ड्यू डेट के अंदर किया है तब आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में जाने के लिए मिलेगा, इस बार ये कंडीशन है, ठीक है। रेजिडेंशियल स्टेटस यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है, इस तरीके से सेलेक्ट हो जाएंगे। बाकी वाले ऑप्शन में आप एक बार चेक कर लीजिएगा, वैसे जनरली केस में नो यहाँ पर एप्लीकेबल रहता है, रिप्रेजेंटेटिव नो, डायरेक्टर अगर आप कंपनी में है यस करेंगे, अदरवाइज नो, डिटेल्स ऑफ फर्म में भी नो,
अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स अगर आप होल्ड करते हैं तो यस करेंगे, फिर डिटेल्स एंटर करनी होगी। ठीक है, इस तरीके से सेव कर रहा हूँ मैं, क्योंकि इस केस में ये चीज़ें एप्लीकेबल नहीं है। ऑडिट इन्फॉर्मेशन बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए लायबल है, तो यहाँ पर आपको यस टिक कर देना है। 4480 के अंडर में फाइल नहीं करनी है, ध्यान दीजिएगा। अगर आपने 4480 में फाइल कर दी, हो सकता है नेक्स्ट ईयर आपका काफ़ी ज़्यादा ट्रांजेक्शन हो तो वहाँ पर आपको दिक्कत आ सकती है। ये वाले ऑप्शंस आपको अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करने पड़ेंगे। 10 करोड़ तक कोई भी ऑडिट की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ये बस आपसे क्वेश्चन कंफर्म करेगा। तो अभी फिलहाल इस केस में जो है 1 करोड़ तक की भी ट्रांजेक्शन है, तो मैंने ये वाला ऑप्शन लिया है। ठीक है, और अगर यहाँ पर टर्नओवर जो है एक्सीड कर जाती है, ठीक है, कि 10 करोड़ से ज़्यादा, फिर तो आपके ऊपर टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल होगी। तो पहले ऑडिट करानी पड़ेगी, फिर उसके हिसाब से आईटीआर फाइल होगी। तो ऑडिट वाली जो आईटीआर है उसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, वो आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर टैक्स ऑडिट के लिए लायबल में नो लिखना है, बाकी ऑप्शन नो, सेव पर क्लिक कर देना है। एटलीस्ट 1 बैंक अकाउंट ऐड करना मैंडेटरी है, बाकी आपके जितने बैंक अकाउंट्स हैं सारे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद कंफर्म पर क्लिक करके आगे सेव कर देना है। अब यहाँ पर जो है इस तरीके से 1 by 1 करके आपको टैब्स कन्फर्म करनी है। ठीक है, इस तरीके से जो जो चीज़ें हमें एंटर करनी होगी। अब मुझे नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, एक तो मेरे पास सैलरी की डिटेल्स होनी चाहिए, तो सैलरी आप अपने बैंक स्टेटमेंट से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो है नेक्स्ट स्टेप में आपको जो है जो भी आपका डीमैट अकाउंट है वहाँ से आपको टैक्स की पेनल अकाउंट की स्टेटमेंट डाउनलोड करनी है। ठीक है, तो उसमें आपकी सारे ट्रांजेक्शन्स आ जाएगी, इंटरडे, कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, सब कुछ डिटेल्स आएगी। मैं आपको एक दिखा देता हूँ फॉर्मेट, इस टाइप से आपको डिटेल्स डाउनलोड कर लेनी है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन यहाँ पर अलग से आएगा, लॉन्ग टर्म कितना क्या सेल परचेज की वैल्यू है, स्पेकुलेशन के ट्रांजेक्शन है वो। ठीक है, तो इस तरीके की डिटेल्स आपकी डाउनलोड हो जाएगी। कैपिटल गेन की समरी, इसकी समरी रिपोर्ट भी डाउनलोड होती है, सेम्स वही मैं आपको डबल फॉर्मेट में यहाँ पर दिखा रहा हूँ। ठीक है, और जो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म है उसके लिए तो डायरेक्ट ही बाय सेल वैल्यू यहाँ पर आ जाएंगी, बाकी स्पेकुलेशन या इंट्राडे ट्रांजेक्शंस वाले के लिए हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी टर्नओवर। ठीक है, तो जो टर्नओवर का क्राइटेरिया इसमें वो होता है कि जो भी आपकी सेल परचेज वैल्यू जाए, देखिए जैसे बाय वैल्यू जाए, टोटल वैल्यू जाए, अगर इस तरीके से आप देखेंगे तो ये तो करोड़ में चली जाएंगी आपकी बाय वैल्यू। ठीक है, सेल वैल्यू, लेकिन इसके लिए फॉर्मूला यूज होता है यहाँ पर, तो वो इस तरीके से है कि जो भी आपके नेट रियलाइज गेन या लॉस हैं, ठीक है, तो इन सब का आपको पॉजिटिव वैल्यूज ले लेनी होती है, जो भी आपकी पॉजिटिव वैल्यूज आती है। देखिए, तो मैंने यहाँ पर जो भी आपके नेगेटिव बैलेंसेस थे उसको भी यहाँ पर पॉजिटिव में कन्वर्ट किया है। आप इसको सेपरेटली यहाँ पर कॉपी करके जो आपके नेगेटिव बैलेंस है उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद मैंने यहाँ पर इसका टोटल करके इसकी टर्नओवर यहाँ से कैलकुलेट किया है, तो ये मेरी टर्नओवर मानी जाएगी, वो ये वाली टर्नओवर होगी जो कि मैं वहाँ पर एंटर करूँगा। ठीक है, लॉस तो मेरा यहाँ पर आ रहा है, तो लॉस जो है आपको कैरी फॉरवर्ड करने के लिए मिलेगा, ये आपकी स्पेकुलेशन के प्रॉफिट से ही एडजस्टेबल होगा। ठीक है, तो अब इसको डायरेक्ट यहाँ पर एंटर करेंगे। तो पहले हम यहाँ क्या करते हैं, मैं आपको इंटरडे ट्रेडिंग का बता देता हूँ, फिर उसके बाद सैलरी भी कवर कर लेंगे और अदर सोर्स की इनकम भी कवर कर लेंगे, क्योंकि सैलरी तो आप डायरेक्ट जो है एंटर कर सकते हैं। सैलरी के लिए ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि सैलरी तो आप जो है जो भी आपके बैंक में क्रेडिट हुई है वहाँ से ले लीजिएगा। ठीक है, और अगर आपके पास फॉर्म 16 है वहाँ से आप ले सकते हैं। सैलरी स्लिप्स के बेस पे आपको ग्रोथ सैलरी पता लग जाएगी, जो बैंक में क्रेडिट हुआ है वो आपकी नेट सैलरी हो गई, तो जो भी अलाउवेंस या अदर्स जो है वो टोटल इनकम के अकॉर्डिंग आपको कंसिडर करने पड़ेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो है इसमें डिटेल्स एंटर होगी इंटरडे वाली, एडिट पर क्लिक कर लेना है, और यहाँ पर जो है इस तरीके से टर्नओवर फ्रॉम इंटरडे एक्टिविटी, जैसे मैंने आपको बताया, अगर प्रॉफिट है तो पॉजिटिव फिगर आएगी, लॉस है तो नेगेटिव फिगर आएगी, इस तरीके से ये फिगर्स यहाँ पर एंटर होगी। ठीक है, मैं फिर से स्टेटमेंट्स आपको दिखा देता हूँ, ये स्टेटमेंट्स, ये तो टर्नओवर हो गई और ये आपका यहाँ पर जो है इस केस में लॉस आ रहा है, तो ये आपको इस तरीके से एंटर करना है। बिल्कुल आसान सी चीज़ है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेव पर क्लिक कर देना है, कन्फर्म पर क्लिक कर देना है, तो इंटरडे केस में यहाँ पर जो है लॉस आ रहा है। अब मैं आपको कैपिटल गेन बता देता हूँ, तो हमारा यहाँ पर इंटरडे ट्रेडिंग कवर हो गया है, कैपिटल गेन भी इस तरीके से एंटर करना है। कैपिटल गेन के ये वाला शेड्यूल है, तो यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दो ऑप्शन आपको मिलेंगे, ये शॉर्ट टर्म के लिए है, ये लॉन्ग टर्म के लिए है। इस केस में केवल शॉर्ट टर्म है तो मैंने ये सेलेक्ट किया हुआ है। आपको कुछ नहीं करना, एडिट करके बस यहाँ पर जो है सेल और परचेज की वैल्यू डालनी है, तो वो आपके स्टेटमेंट में से आपको लिखी हुई मिलेगी। देखिए यहाँ पर जो है ये टोटल सेल की वैल्यू है, टोटल बाय वैल्यू है, बाकी ये कैपिटल गेन हुआ है जो कि शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म यहाँ पर कुछ भी गेन नहीं हुआ है, तो बस वो डिटेल्स यहाँ पर एंटर होगी। सेम इसी तरीके से लॉन्ग टर्म के केस में भी होगी, यहाँ पर एडिट पर क्लिक करना है, इस तरीके से फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, जो मेरी सेल की वैल्यू है, ये मेरी बाय वैल्यू है, जो मेरा नेट गेन है वो यहाँ पर आ गया है। तो देखिए इसमें ज़्यादा टाइम लगने वाला नहीं है, अगर आपको सारी चीज़ें पता है कौन सी चीज़ें कहाँ पर एंटर होनी है और सही तरीके से एंटर करनी है, ऐसे नहीं कि आपने गलत तरीके से एंटर कर दिया, गलत एंटर करेंगे तो आपके पास कल को प्रॉब्लम होगी, फिर आपसे क्लैरिफिकेशन भी मांगी जा सकती है, नोटिस भी आ सकते हैं, तो उन चीज़ों को अवॉइड करें, ज़्यादा बेटर है। ठीक है, बस इस तरीके से डिटेल डाल के कन्फर्म कर दिया। अब यहाँ पर जो है नेक्स्ट हम कवर कर लेते हैं सैलरी, सैलरी के बाद सोर्स की इनकम। हाँ, इसमें एक पॉइंट ये भी आ रहा है,
आप अपने AIS और 26S को चेक करना ना भूलें। ये AIS यहाँ से आपको ओपन करने के लिए मिलेगा और 26S यहाँ से मिल जाएगा। ये 26S पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगा। आप इजीली इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर ये क्लिक करना है, प्रोसीड पर क्लिक करना है, ईयर सेलेक्ट कर लेना है। तो जो भी आपके TDS कटे हुए होंगे वो सब आपको मिल जाएंगे। चलो अभी चलिए हम यहाँ पर जो है सैलरी का शेड्यूल, तो सैलरी शेड्यूल पर क्लिक कर लेना है। इसके अंदर में यहाँ पर जो है एम्प्लॉयर का नेम आएगा, एड्रेस आएगा, बाकी नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट यहाँ पर आपको एंटर करना है कि आप जो है अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, PSU या पेंशनर्स हैं तो वो डिटेल्स, अदरवाइज आप अदर्स करके प्रोसीड करेंगे। बेसिक सैलरी यहाँ पर आपको एंटर कर लेनी है और जो भी आपको परक्यूजिट्स मिले हुए हैं वो यहाँ पर आपको एंटर करना है सैलरी के पार्ट एज इन, ठीक है। और जो बाकी की डिटेल्स हैं जो यहाँ पर अप्लीकेबल नहीं है उसको आपको डिलीट कर देना है। इस तरीके से डिटेल्स यहाँ पर एंटर करनी है। न्यू और ओल्ड दोनों के केस में जो है इस साल के लिए 50,000 रुपये की छूट है, तो 50,000 रुपये हमें यहाँ पर डिडक्शन भी मिलने वाली है। उसके बाद सेव पर क्लिक कर देना है, प्रोसीड करना है। जो भी आपकी एक्चुअल सैलरी है वो आपको यहाँ पर एंटर कर देनी है। अब यहाँ पर हम फीड करेंगे अदर सोर्स की इनकम, तो अदर सोर्स की इनकम यहाँ पर आपको फीड कर लेनी है। मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से अदर सोर्स की इनकम यहाँ पर ऐड होगी। तो यहाँ पर जो है एक तो हमारी जो है FDR की इंटरेस्ट की इनकम है जो कि मैंने बताया, वो डिटेल्स यहाँ पर आ रही होगी। तो वो आपको एक बार अपने जो भी एक्चुअल स्टेटमेंट्स है उससे यहाँ पर आपको कंफर्म करनी पड़ेगी, ठीक है। तो वो डिटेल्स एक बार आपको देखनी पड़ेगी। फिर उसके बाद जो है तो यहाँ पर जो है इंटरेस्ट की इनकम भी आई हुई है। और उसके अलावा जो है यहाँ पर अदर्स में आप अपने जो भी इंश्योरेंस की कमीशंस हैं, कोई अदर इनकम है तो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आप कोई भी काम करते हैं पर्सनल नेचर का हो तो वो नेचर ऑफ इनकम में आप जो है नॉर्मल टैक्स रेट से यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। डिविडेंड की इनकम भी यहीं पर ऐड होगी, आपके जो डिविडेंड्स आए हुए हैं वो सारी डिटेल्स यहाँ पर होगी। उसके अलावा अदर इनकम में जो भी अदर इनकम्स है वो आप इस तरीके से यहाँ पर ऐड कर पाएंगे, ठीक है। तो जैसे इंश्योरेंस कमीशन तो यहाँ पर एज इट इज ऐड किया गया है, उसके अलावा कोई अदर सोर्स ऑफ इनकम है, ठीक है। जैसे कि आपने टीचिंग की इनकम की है इस तरीके से यहाँ पर आप दिखा सकते हैं, ठीक है। और जो अमाउंट है वो आप एक्चुअल बेसिस ही रखेंगे, जितनी भी आपको इनकम हुई है वो कैश में हो या फिर आपके अकाउंट में हो, इसके हिसाब से आपको ये डाटा मेंटेन करना है। यहाँ पर डिटेल्स एंटर की गई है, तो मैंने सारी डिटेल्स आपको बता दी। इंट्राडे ट्रेडिंग हमने एंड कर लिया है, कैपिटल गेन्स आ गए हैं, सैलरी की इनकम भी ऐड हो गई है। उसके अलावा अगर आपकी कोई अदर इनकम है तो भी ITR 3 में आप ऐड कर सकते हैं। मैंने ITR 3, ITR 1, 2, 3, 4 सबके लिए डिटेल भी यहाँ पर बनाई हुई है। अगर आपकी स्पेशल कोई इनकम है तो आप वहाँ से भी एक बार वीडियो में देख सकते हैं। अब इसके बाद बस हम यहाँ पर एक बार इनकम अपनी कंफर्म करेंगे, जो हमारे टैक्स पेड्स हैं, जो मेरे TDS आए हुए हैं वो कंफर्म करेंगे। देखिए सैलरी से इनकम ले लिए हमने यहाँ पर, कैपिटल गेन्स का यहाँ पर शॉर्ट टर्म की इनकम आई हुई है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में हमारे इंटरेस्ट की अदर इनकम आ गई है, टोटल इनकम मेरी यहाँ पर शो कर रही है। उसके बाद जो है जो मेरा लॉस है वो यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड आ रहा है। उसके बाद कंफर्म पर क्लिक कर देना है आपको, और उसके बाद जो है आपको यहाँ पर जो टैक्स की डिटेल्स है वो एक बार वेरीफाई कर लेनी है। जो भी आपके TDS कटे हुए हैं तो अगर कोई आपका टैक्स बन रहा होगा तो उससे एडजस्ट होगा, बाकी का आपको रिफंड मिलेगा वो। लेकिन आपको फिर भी एक बार ये चेक कर लेना है कि जो TDS कटे हुए हैं वो सही आ रहे हैं या नहीं आ रहे। ये चेक करने के बाद कन्फर्म पर क्लिक कर देना है, और उसके बाद हम टैक्स एक बार चेक करेंगे, क्योंकि अब की बार जो है यहाँ पर न्यू टैक्स रिजीम में शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म या स्पेशल रेट वाली इनकम पर फ्लैट टैक्स लग रहा है। तो यहाँ पर टैक्स के कैलकुलेशन में कुछ टैक्स का अमाउंट आएगा जो कि मेरे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की वजह से आ रहा होगा। तो ये मेरा अमाउंट यहाँ पर शो कर रहा है, बाकी जो TDS कटा हुआ है उससे एडजस्ट होगा। एडजस्ट होने के बाद ये अमाउंट रिफंड आएगा। उसके बाद प्रीव्यू पर क्लिक कर देना है, एक बार रिटर्न को वेरीफाई करना है। उसके बाद यहाँ पर वैलिडेशन सक्सेसफुल का मैसेज आएगा, फिर उसके बाद प्रोसीड टू वैलिडेशन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपके सामने तीन ऑप्शन आएंगे, आपको इनकम टैक्स रिफंड के लिए पहला ऑप्शन ही प्रेफर करना चाहिए, ई वेरीफाई नाउ वाला। बाकी दो ऑप्शन है इसमें, आपको 30 डेज के अंदर वेरीफाई करना होता है या फिर आप CBC बैंगलोर भी भेज सकते हैं। तो हम यहाँ पर ई वेरीफाई नाउ पर क्लिक करेंगे, आधार OTP से इसको वेरीफाई करेंगे, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। जो आधार में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर यहाँ पर OTP जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन आपको मिलेगा आधार वाला, इस पर क्लिक कर देना है, कंटिन्यू पर क्लिक करना है, आधार OTP वेरीफाई कराना है, आपकी ITR जो है फाइल हो जाएगी। ये था कंप्लीट प्रोसेस। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। इसके अलावा काफ़ी सारे जो वीडियोज हैं आप वीडियो देख सकते हैं। चैनल का जो पर्पज है फुली एजुकेशनल है, इसलिए सब्सक्राइब करें, ना करें, वीडियो देखें और आगे शेयर जरूर करें। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।